नाज़रीन, में हूँ आपका होस्ट ज़फ़रान शाह बाबर। प्रोग्राम नई बात में आज हमारे साथ हम लोग आज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लिए हमें अलीना इंस्टीट्यूट का स्पोर्ट घर मुनक़िद हुआ है, यहाँ पर हम मौजूद है। यहाँ पर बच्चों ने मुख्तलिफ़ किस्म की गेमें खेले, गर्ल्स बॉयज़ दोनों ने मुकाबला किए। यहाँ पर आज प्रोग्राम का जो चीफ गेस्ट है सी ओ साहब है, अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं और आप साथ में खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो? असल में बच्चों को ना स्पोर्ट गाने में हम काफ़ी सपोर्ट कर देंगे, इंजॉयमेंट हो रही है, इसलिए हमने ये स्पोर्ट्स सेंटर को इसको बुक करवाया था ताकि बच्चे को सारी एक्टिविटीज़ में और मुख्त इंटरेस्ट हम कर सकें। सर बताया गया बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादातर इंटरेस्ट है या फिर आजकल आप गेम में ज़्यादा है और देख रहे हो कि इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है? पढ़ाई में ऐसा है कि हमारे प्रोफेशनल कोर्स हैं, प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ ना इसकी जो हम एंटरटेनमेंट करवा रहे हैं इस तरह वो ज़रूरी है बच्चों के लिए, ताकि मैथ कोई फ्रेश हो जाता है फिर आगे न्यू कुछ सिलेबस में उन्होंने जाना था, क्योंकि जनरल एजुकेशन और प्रोफेशनल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, और जनरल एजुकेशन में बच्चे प्रोफेशनल की तरफ आते हैं तो उसके फ्रेशमेंट के लिए बच्चों का ये सपोर्ट का अलग हमने उन्हें तक करा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ फैसल साहब भी मौजूद है जो इस पूरे स्पोर्ट्स कम्प को जो है ना डील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे इंजॉय कर रहे हो और बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से? देखिए जैसे आजकल दौर है तो आपको पता है इंटरटेनमेंट की कमी है हमारे माशरे में, स्किल्स की भी कमी है, तो ये इसलिए कर दिया जाता है कि प्रोफेशन के साथ साथ बच्चों में स्किल्स भी हैं और इंटरटेनमेंट के मौके भी प्रोवाइड किए जाएँ। तो आप देख रहे हैं कितना जोश फरोश है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम लिया गया तारीख में अलीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी ऐसा इदारा है जिसने कितना अच्छा एक ऑर्गेनाइज कराया बच्चों के लिए स्पोर्ट्स वाला, जिसमें तमाम स्पोर्ट्स थी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कल्चरल फंक्शन तमाम इवेंट्स थे, उसमें आप एक इवेंट क्रिकेट है वो यहाँ पर जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। आप किस क्लास में और आप किस गेम खेल रहे हो, कौन सा गेम खेल रहे हो? मेरी क्लास अभी कैटेगरी ग्रुप ए का, मैंने क्रिकेट में ज्वाइन किया है। अच्छा, आप उसी में एक सवाल एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएगा कि पाकिस्तान का कौमी गेम कौन सा? हॉकी। हॉकी, उनमें से उनके कोई चंद से प्लेयर का नाम बता दें। अच्छा चलो, आज क्रिकेट के बारे से क्वेश्चन करता हूँ कि जब पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा हो तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच आपको किसको सपोर्ट करोगे? पाकिस्तान को। पाकिस्तान सपोर्ट करोगे? यस। लेकिन मैच तो पीएसएल हो रहा है, उन दोनों के दरमियान हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान हो रहा है? नहीं, पाकिस्तान की टीम में नहीं। चलो, जैसे आप क्रिकेट खेल भी रहे हो उसी तरह आपको इलम भी बहुत ज़्यादा है। इट्स ओके सी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, गुलाम नबी। अच्छा, आप कौन सा गेम खेल रहे हो आज? आज क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मैं। क्रिकेट में आज क्रिकेट कौन सी मैच आपने किया? अभी मैच जीता या हारा? हाँ, मैच अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीता। जीता जी। अभी कैसे इंजॉय कर रहे हैं? इंशाल्लाह फाइनल है, उसके लिए भरपूर मेहनत करेंगे और अपने कॉलेज का नाम रोशन करेंगे और अपनी क्लास को भी जिताएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो है, हम जाते खौतिन की साइड पर उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से? क्या नाम है आपकी? सीरत एज़दी। अच्छा, बताएगा आज आपने कौन सा गेम में खेला था और कौन सा गेम आपको अच्छा लग रहा है? यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, रस्सा कशी हो रही है, इसके अलावा बैडमिंटन वगैरह भी खेली जा रही है और मैंने इसका पार्टिसिपेट नहीं किया, जस्ट एंजॉय किया। जस्ट देखा आपने। अच्छा, आप क्या नाम है? नाज़िया नाम है मेरा। आपने कौन सा गेम एंजॉय किया? मैंने बहुत सारी गेम्स एंजॉय किए हैं, पहले हमारा कल्चर प्रोग्राम था, देन हमारा जो है गेम्स थी स्टूडेंट्स की और उसमें रस्सा कशी था, इसके अलावा रेसिंग थी और अब हमारे स्टूडेंट्स की गेम चल रही है क्रिकेट और हम उसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अभी भी कुछ बच्चियां नज़र आ रही जो कि कल्चर शेप में आए हुए, पश्तून कल्चर शेप और बाकी कल्चर शेप में आए हुए, तो कल्चर के हवाले से हमारे नज़रों को क्या पैगाम दोगे आप? कल्चर देखें कि एक जो है हमारी सकाफत बहुत बड़ी चीज़ है, हमारी माजी से लेके अब तक जो है सकाफत हमारा हिस्सा रही है और हम उसको याद हमेशा ताज़ा रखते हैं और इसी हवाले से हमने प्रोग्राम अरेंज किया हुआ था। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बच्चों ने स्पोर्ट्स और सकाफत के हवाले से भी का इंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ कि जो नई बात ये है कि आप जो भी बनो, बादशाह बनो, जो भी बड़ा शख्स बनो, लेकिन आपने गरूर तकबर नहीं करना है।